बाप नहीं रहेगा अभी बाप। आपको पता नहीं चलेगा कि बाप है या नहीं है, बाप मन सिर जो क्यों दो, हाँ पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है, देखने में आएगा है? बाप आते हैं तो प्रजापिता को आप समान बना देते हैं, प्रजापिता जो है बाप समान माने शिव शंकर जो है वो शिव समान बन जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाप है या नहीं है? चीज तो है नहीं जो आंखों से देखी जाए, कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है? ज्ञान सुनाते ही रहेंगे लास्ट तक, ज्ञान ही सुनाते रहेंगे। ज्ञान सुनाना, मुख से ज्ञान सुनाया जाता है उसमें ज्यादा ताकत है, या मुख से भी ऊपर आँख वो ज्यादा पावरफुल है? काहे से ज्यादा परिवर्तन होगा? मुख के ज्ञान सुनाने से ज्यादा परिवर्तन होगा शक्ति का, या जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आँखें उनसे शक्ति का ज्यादा परिवर्तन होगा? दृष्टि से शक्ति सुधरेगी ना, पता लग जाएगा कि बाप शिव ने आकर के अपने बच्चे गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा वन, उस वन नंबर बच्चे को आप समान बना दिया, आप समान बना दिया तो उसकी दृष्टि में इतना फोर्स आ जाएगा जो बोला है गुरु जी में कि तुम बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे, जैसे गीता में बोला है, क्या बोला है अर्जुन को, क्या अनुभव हुआ हजारों सूर्यों से तेज हो गए का अनुभव, अब ऐसे तेज हो गए तो होते नहीं है, लेकिन आत्मा में वो पावर आ जाती है। शिव की पावर की बात नहीं है, शिव अपनी पावर नहीं दिखाते, शिव तो गुप्त है, शक्ति किसको करते हैं? शक्ति को शक्ति करते हैं। जब लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जब आता है उनका बच्चा पैदा है, सब सब सारी गोल्ड रह गया, सब खत्म हो जाएगा जब बच्चा 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 एक बच्चे के लिए ही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक कृष्ण जब कृष्ण बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो एक अकेला ही बच्चा रहेगा सारी सृष्टि में और उनके माँ बाप भी रहेंगे, दुनिया नई दुनिया माना कोई संगठन है और संगठन की भी कोई कुछ मियाद है, वो मियाद है 9,16,108 साकार में चाहिए, साकार में जब ऐसी शक्ति तैयार हो जाए 9,16,108 की फिर दुनिया का विनाश, बहुत बड़ी दुनिया है, न एकदम स्थापना हो जाएगी न एकदम विनाश हो जाएगा, लेकिन अंत में 5-7 दिन में खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे पूरा दुनिया को, जब जब तादाद पूरी हो गई, क्या टारगेट पूरा हो गया फिर क्या करेंगे? फिर जो रही बची है रोता स्वाहा, अब तो लक्ष्मी नारायण जो होंगे और जगत माता जगत पिता के दोनों पास चलते रहेगा साधन, जगत पिता और जगत माता जो है वो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको शरीर छोड़ना है,
क्या हाथ ही बचेंगे, आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा। तो जब नई शक्ति तैयार होगी तो उसमें कौन कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंशी सब होंगे। सूर्यवंशी वो कहे जाएंगे जो चंद्रवंशी होंगे राधा जैसे, वो सूर्यवंशी तब कहे जाएंगे जब भाव स्वभाव संस्कार से मिल करके एक हो जाए। उसमें जगदम्बा और जगदम्बा जैसे फॉलोअर्स जो भी है उनकी लिस्ट होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो नई दुनिया होगी उसमें दो ही वंश होंगे, एक तो सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। तो जो सूर्यवंशी होंगे उन सूर्यवंशियों में कुछ चंद्रवंशी ऐड होंगे, जैसे विजयमाला था, विजयमाला भी तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी ओरिजिनल ओरिजिनल में चंद्रवंशी, राधा ही चंद्रवंशी है, लेकिन वो मिक्स होकर के क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। लेकिन जो ऐसी कैटेगरी के नहीं है, कितना भी पुरुषार्थ किया साथ रहे मिलन मेला सबसे जास्ती बनाया फिर भी मिक्स होकर के एक नहीं हो सके, उसमें किसका मिसाल दिया जाएगा? हैं? मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, जबकि विजयमाला की है तो साथ में रहती भी नहीं उतना, और लंबे समय तक एडवांस नॉलेज भी नहीं लेती, फिर भी क्या होगा? अंत में एक सेकंड में पहचानेगी और एक सेकंड में अपने को चेंज कर लेगी। तो कारण क्या हुआ? कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है जो चेंज नहीं कर पाती अपने को? तो ऐसे चंद्रवंशी को फिर वापस जाना पड़े। आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। जो बचेंगे वो सब सूर्यवंशी बचेंगे या चंद्रवंशी भी बचेंगे? सिर्फ सूर्यवंशी बचेंगे। जो टोटल अपने को सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे ओ नहीं। अगर जगदम्बा जैसी आत्माएं वो भी अपने को सूर्यवंशी बना रहे हैं तो उनको लक्ष्मी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जगदम्बा को लक्ष्मी का टाइटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं मिलता। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, तो नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनेगी। होंगे नई दुनिया में सिर्फ दो ही क्वालिटी के, जो भी नई दुनिया बनेगी उसमें सूर्यवंशी होंगे चंद्रवंशी होंगे, लेकिन चंद्रवंशियों में भी वो क्वालिटी रहेगी जो अपने को पूरा मिक्स कर देगी। जो मिक्स पूरा नहीं कर पाएंगे वो नहीं है। अब चंद्रवंशियों में तो सारे ही समाये हुए हैं। आदि में सूर्यवंशी चले गए तो किसकी रहवरी में सब पले? ब्रह्मा की रहवरी में सब पलते रहे। तो सारे ही चंद्रवंशी हो गए। जो भी चंद्रवंशी बचे वो सब अधूरे अभी भी फॉलो कर रहे हैं। किसको? ब्रह्मा को भी फॉलो कर रहे हैं, सूर्य को नहीं पहचान पा रहे। ऐसे एडवांस में भी
ब्रह्मा को फॉलो किया माने कमजोरी आई। ये किसी आज से भी ऐसी चलता चला है, एडवांस में भी ऐसे ही है क्या? अभी भी ढेर सारे ऐसे हैं जो अम्मा ही अम्मा बुद्धि में लगा रहता है। वो कहते हैं वो सन्यासी क्या करते हैं, गौमुख में हाथ डालते हैं और राम 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 गौमुख से सुनाने के लिए राम राम अंदर से लगाओ, वहां भरा पड़ा गौमुख में। देवान को त्याग ही नहीं पाते। महिमा होगा योगों की, महिमा होगा माने जो अपने संसारों को एक दूसरे में मिला करके एक कर देंगे उनकी महिमा। तो वो बाहर दुनिया को जाएंगे क्या? जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब जाना पड़ेगा। नहीं बनेंगे तब तक, जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक तो जाना ही पड़ेगा ना। सेवा नहीं करेंगे तो संपन्न कैसे बनेंगे? लेकिन संपन्न दोनों का एक हो गया मैंने एक हो गए तो संपन्न होंगे। संकल्पों में भी टकराव ना हो। लेकिन बाहर दुनिया तो कैसे जाएंगे जब संकल्प ही एक हो गए, वाइब्रेशन एक हो गया क्या? भले दूर दूर रहे, लक्ष्मी अलग रहे, नारायण और वाइब्रेशन दोनों को मिलकर एक हो गए, तो राधा कृष्ण जैसी बच्चा पैदा करने की तो क्षमता आ गई ना। वाइब्रेशन से बच्चा पैदा करने की क्षमता तो हो गई, तो बाल दुनिया से मिलने की क्या दरकार हुई? तो उसके पहले से पता लग जाएगा कौन आपस में पता चलेगा। देवान की बात, जिनको देवान होता है उनको दूर दूर महसूस होता है, जिनको देवान नहीं होता वो तो अव्यक्त स्टेज है। जो अव्यक्त स्टेज वाला होगा उसके लिए भगवान दूर होगा कि नजदीक होगा? नजदीक होगा। विजय वाला रुद्रमाला की मन के पिरो नहीं जाएंगे। अरे रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे या नहीं पिरोए जाएंगे? लेकिन संपन्न स्टेज होने के बाद संपन्न स्टेज बनेगी तभी तो युगल दाना गाना बनेगा, तब भी पिरोए जाएंगे ना। जब युगल दाना तब ही कहा जाएगा, युगल दाना ही तब कहा जाएगा जब रुद्रमाला के मणके में कोई भी विकार न रहे। रुद्रमाला के मणके तो बड़े विकारी है, सारे ही विदेशी है। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ये सारे क्या है? इस्लामी कामी क्रोधी क्रिश्चियन लोग मुस्लिम। तो विदेशियों की माला है या स्वदेशियों की माला है? बाप खुद क्या बन के आया हुआ है? बाप खुद ही विदेशी बन के आया हुआ है, बन के आया हुआ है, बन के आए हुए विदेशी बच्चों को सुधारने के लिए, आसमान बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। जिसमें जिसको सुधारना होता है वो वैसा ही बनना पड़ता है। और एक पॉइंट है, देख क्या है और ग्लोरी लिंक होता है, सूर्यवंशी में अभी तो 108 में 12 सूर्यवंशी का है, अरे तो अष्टदेव एक मिलके 9 प्लस नक्षत्रदेव मिलकर 12 आता है, उनको ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग भी कहता है एक तरफ से। दूसरा तरफ से आपको नवरत्न 9 गोत्र और सप्त ऋषि ये सब कहते हैं, ये सब सप्त ऋषि अलग है, अलग है क्या? सप्त ऋषि अलग है, अष्टदेव अलग है और रतन अलग है। रतन एक दूसरे से बहुत कम वैल्यू वाले होते हैं, अष्टदेव सारे ही सूर्यवंशी हैं माने सारे ही हीरा हैं क्या? जो सरियों पर माला रखी हुई है वो मूंगा पन्ना मोती इनकी नहीं है, उपराज की माला नहीं है, वो सब क्या है? हीरे हीरे हीरो पाड़धारी है।
उनकी अपनी अपनी जो दुनिया है वो तो दुनिया के हीरो है, सबसे पूर्वज है। उनका पाठ गांव क्या होगा, उनका पाठ सबसे प्रेरणा में कैसा होगा? नारायण को तो हमें मालूम है, नारायण को बोलता है एक नारायण दो। इन्होंने यहाँ ले लिया, पहले इस जन्म में ले लिया। पहला जन्म कौन सा है, सत्युग के नौ जन्म कहेंगे या आठ जन्म कहेंगे? आठ जन्म, संगयुग के, संगयुग पहले जन्म, नौ जन्म नहीं कहेंगे। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनके नौ जन्म कहेंगे या आठ जन्म कहेंगे? दो नौ जन्म कहेंगे। तो एक जन्म का सबसे ऊंचे से ऊंचे जन्म का सुख भोग लिया, अभी फिर सत्युग नंबर लगाएंगे, दूसरा नंबर नहीं लेना देंगे? ये तो यानी तो अन्याय हो गया, पीढ़ी को नहीं लेने देंगे। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो आए वो भी ऊंचे बने। उतने तो ऊंचे नहीं बन सकते हैं लेकिन फिर भी उनको प्राप्ति हो ना, तो हर जन्म में खुद ही लेते रहेंगे। जैसे जैसे अगले जन्म आते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर वाली नीचे गिरते जाएंगे, गिरते 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 सत्युग के अंत में जाकर के राम सीता जैसी आत्माएं प्रजा बन जाएंगे। राम राजा पहले जन्म में, सत्युग के अंतिम जन्म में राम, राम प्रजा, ऐसी कम का है। हिंदी में ये भी बोला है कि राम बाप सब सब धर्म जाके उनको ये करता है, राजी को अभिमान करता है। जो देह अभिमानी धर्म है उन देह अभिमानी धर्मों में राजा ही कितने दी, ऊपर वाले ने दी जो सदैव आत्माभिमानी है, या नीचे वाले ने दी जो सदा भोगी है? भोगी वाला नहीं दिया। अच्छा, ऊपर वाला 21 जन्म का देता है कि 63 जन्म का भी देता है? 21 जन्म का देता है, 63 जन्म का तो नहीं देता है। तो 63 जन्म के लिए राजा ही कौन देता है? जो देह अभिमानियों का बाप है वो फिर उनको उनको देता है, इसलिए हिसाब बना हुआ है। जो उनमें तो इतनी ताकत है नहीं कि राजा की स्थापना कर सके, उनके धर्म पिताएं जो है वो राजा ही स्थापन ही नहीं करते। जब आते हैं धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, ताकत तो होती ही नहीं। तो यहाँ प्रजा पिता में वो ताकत है, बाप से बाप समान बनने की ताकत लेता है, और द्वापर युग से लेकर के जो जो भी राजाएं स्थापन हुई है उन सब राजाइयों का फाउंडेशन फाउंडेशन लगाता है। कन्या माताएं जो है जब ज्ञान मिलता है तो उनकी लागत विकारों से हट जाती है या लगी रहती है? हट जाती है। तो सोई हुई है कि जगी हुई है? और पुरुषों का क्या हाल बोलो ना जल्दी जल्दी। हैं आपका चेहरा ही बोलेगा, आप मुख से नहीं बोलेंगे तो भी आ जाएगा। पुरुष सब सोए हुए छात्रा सब दुर्योधन दुशासन है। आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। पुरुष है तो आत्मा नहीं, उनमें आत्मा नहीं है। और कन्या माता है उनमें आत्मा नहीं है क्या? हाँ, उनको जब ज्ञान मिलता है तो जैसे विजय माला है वो कन्याओं की माला है या भाइयों की माला है? कन्या माताओं की माला है। तो वो ज्ञान लेने के बाद वो जल्दी जल जाती है, या रुद्र माला के जो भाई भाई माने जाते हैं आपस में वो जल्दी जलते हैं? विजय माला वाले जल्दी जल जाते हैं। ऐसे कन्या माताओं सबका हिसाब है, जो दो चार इक्का दुक्का दुपन खान पूतनाए हैं उनको छोड़ दो। बाकी जो भी कन्या माता हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान जल्दी व्यक्तिगत धारणा में आ जाता है, उनकी उनसे उनका लगाव जो है वो हट जाता है विकारों से।
बाबा हम लोग तो पहले जन्म में पुरुष बन के रहे होंगे ना, रहे होंगे लेकिन फिर भी उनके संस्कार जो है वो उनके मुकाबले राजाओं के मुकाबले उतने अधिकारी नहीं गए होंगे। उदाहरण से विजयमाला की हेड है, विजयमाला की जो हेड है वो जब द्वापर कलयुग में आकर के रानी बनेगी तो जो भी छोटी छोटी रानियां हैं उनकी पालना साक्षी भाव से करेगी या ईर्ष्या देश होगा सबके साथ क्यों करेगी? तो रानी है, बड़ी रानी है, उसको तो ईर्ष्या देश आना चाहिए। ये नई रानी आई है, ये ज्यादा सुंदर है, इसके साथ ज्यादा प्यार होता है, ऐसे ऐसे भाव तो नहीं आना चाहिए उसे, क्योंकि उसकी विकारों में लागत है ही। क्या वो जन्म जन्मांतर की निर्विकारी रूप से रहने वाली आत्मा, जैसा जिस बात में पति को सुख हो उसी में हमको सुख है, उसकी अपनी कोई लागत नहीं है। तो जिसकी अधिकारों में लागत ही नहीं है उसको दूसरों की ईर्ष्या देश आएगा नहीं आएगा? तो जैसे उसके लिए वैसे ही सब कन्या माताओं के लिए लागू कर दो है नंबर बात। तो क्या है जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें 8,000 रुद्रमाला के जो मणके हैं वो काला खून बहाने वाले, और जो विजयमाला के मणके हैं वो सब गोरा खून बहाने वाले। वो कितना भी करे फिर भी कुछ न कुछ विकृत संकल्प हो ही जा रहे हैं। बाबा ये कृष्ण की आत्मा श्री आत्मा तो अभी भी पढ़ाई पढ़ रही होता है। हाँ जी बताए जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं है? अभी भी पढ़ रहे हैं। हाँ और उसके पहले ही 4,500 का पढ़ाई पूरा हो जाएगी, ये तो अभी आत्मा तो 4,500 के बाद में आने वाला होता है। हाँ तो उसके पहले कृष्ण का जो पढ़ाई है उसके पहले ही सबका पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो नई दुनिया स्थापन होगी वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से स्थापन होगी या दूसरे वंश वालों से स्थापन होगी? तो कृष्ण की आत्मा किस वंश से करेक्ट है? चंद्रवंश से करेक्ट है। कृष्ण की आत्मा माने दादा लिख रहा है वो किस वंश से कनेक्टेड है? चंद्रवंश से कनेक्टेड। तो जो सूर्यवंशी तो पहले सुधर जाए वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रवंश की जो आत्माएं हैं वो भी तो पहले सुधरेंगी, सूर्यवंश के बाद उनका तो नंबर लगेगा। उनमें मुखिया कौन? चंद्रवंश। तो वो जो मुखिया आत्मा है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाए, सूर्यवंशी तो कन्वर्ट होते ही है जल्दी, तो दोनों मिलाकर के काम पूरा हो गया स्वर्ग की स्थापना का। फिर उसके बाद बादला की जो वो उनका काम बाद में चलता रहेगा। नहीं तो मैं जानी जल्दी है और ये क्लास ट्रांसफर की बात है। हैं क्लास ट्रांसफर जो होता है वो बेसिक से एडवांस में आ गए एडवांस से भी फिर क्लास ट्रांसफर होने की चांस है। क्यों एडवांस वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं वो विजयमाला में ऐड नहीं होंगे? विजयमाला में ऐड होंगे तो क्लास ट्रांसफर नहीं हुआ होंगे कि नहीं होंगे? होगा तो क्लास ट्रांसफर होगा, तो और एक बार ही क्लास ट्रांसफर होता और दोबारा दो तीन बार एक होता विद्यालय, एक होता महाविद्यालय, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल होता ही नहीं प्रैक्टिकल में है? बस ऐसे ही है, महाविद्यालय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं फिर बाद में प्रैक्टिकल में चलेंगे।
रुद्र 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 के वो ये जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है उसमें प्रैक्टिकल करने वाले कौन है? नहीं नहीं जो एडवांस पार्टी है उसमें तीन तरह के मड़के हैं ना, एक है प्लानिंग पार्टी, एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी और एक है प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी कौन है? जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है वाला ट्रांसफर नहीं होना है। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक नौकरी पकड़ी नहीं मिलेगी। जब तो जब विष्णु आएंगे तब प्रैक्टिकल बोलिए, सब ऐसा बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिकल करो बोली बोली क्या है, ज्ञान सुनते ही रहो, ज्ञान सुनाते ही रहो, यही सब करते रहो, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सब जीरो। तो सबको विष्णु मानना है अगर ही विष्णु की मुखोण शैल भी बनना पड़ता है। विष्णु वंशी, विष्णु माने क्या, विष्णु माने क्या, लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइन। ब्रह्मा तो पहला ब्रह्मा कौन था? कंचन का या बनने वाले डिस्कशन के बाद ही होगा। कंचन का डिस्कशन के बाद बनेगी कब होगा? अगर कंचन का या डिस्कशन के बाद ही बनेगी तो राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? एटम बम फटेगा तो फटता रहे। जो पतितम दुनिया है उसमें एटम बम फटेगा या पावन की दुनिया में एटम बम फटेगा? पतितम दुनिया में एटम बम फटेगी, जो पावन दुनिया हो चुकी उसमें एटम बम थोड़े फटेंगे, असर भी नहीं होगा। तो विकारों से परे है, काम की प्रकृति से के अन्याम से परे है। तो नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का वर्षा देंगे ना, जो स्वर्ग का टेम्पल होगा वो नरक की दुनिया के बीच में होगा ना। स्वर्ग में राधा कृष्ण, राधा कृष्ण आत्मा जैसा है वो तो स्वर्ग में रहता है, घर तो बाहर रहे, वो तो नर्क को देख सकता है। वो नर्क को देख सकता है जब वो अंदर है, मैं नहीं देख सकता है। हाँ स्वर्ग में रहने से मालूम नहीं पड़ेगा, वो थोड़ी देखेंगे, नहीं देखेंगे पर मालूम तो होगा ना। मैं मालूम नहीं होगा लेकिन बाहर वाले को देख पाएंगे। है बाहर वाले हमको जान रहे हैं, वो भी सब नहीं देख पाएंगे। जानेंगे जानेंगे, सब धर्म वाले जानेंगे कि जन्नत है, बैकुंठ है। क्या बैकुंठ को जानेंगे, जन्नत को जानेंगे, पैराडाइज को जानेंगे, लेकिन वहाँ कोई भी भिखारी प्रवेश कर न सके। पांडव किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश कर न सके। जो जन्नत का जन्नत जन्नत की वो तो ज्ञान फैल रहा है ना चारों तरफ, बाबा ज्ञान तो दे रहा है ना, ज्ञान स्पीड नहीं होता जाएगा। सत्खंड का जो ज्ञान है वो दुनिया में स्पीड नहीं हो रहा है। झूठ खंड का ज्ञान उन लोगों को नहीं रहेगा जो वैकुंठ में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण हैं या जो उनकी पालना करने वाले हैं, उनको उसका भान नहीं रहेगा। पुरानी दुनिया हमेशा नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो वैद्यों के जो बन जाएंगे संकीर्ण।
लक्ष्मी नारायण बनने के बाद शिव प्रवेश नहीं है इसके बोला आज क्लास में, लेकिन शिव कहाँ जाएगा पता कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा कि आएगा कि ये जाने आने का पता कैसे चलेगा। संगम सौ साल है, संगम सौ साल है ना, सौ साल का है पूरा एक मुट्ठी में, तो बोला आग लग कर पीरी पूरी होगी फिर बाकी हम क्या करेंगे, नाश हो जाएगा, स्थापना पूरी हो गई, विनाश पूरा हो गया, फिर बात यहाँ रह करके क्या करेंगे, चले जाएंगे रहेंगे, काम पूरा हो गया। लेकिन नवरंग बनने के बाद ही पूरा आग लगेगा बताया ना जी, क्या लगेगा पूरा आग लगने के लिए नवरंग आत्मा सारी तैयार होना चाहिए बताया ना, ठीक है तो नौ लाख बनाने के लिए 2036 हो जाएगा ना पूरा, है पूरा संगम हो जाएगा ना पूरा नौ लाख बनाने के लिए, ठीक है होने के लिए, ठीक है होना चाहिए, तो पूरा आग लगने का भी पॉइंट पूरा पहुंचे और विनाश का भी पॉइंट पूरा पहुंचे, काम खत्म। अरे यज्ञ जब शुरू हुआ तो एटमिक एनर्जी शुरू हुई कि नहीं हुई, विनाश भी शुरू हुआ प्रैक्टिकल में और स्थापना भी शुरू हुई प्रैक्टिकल में, वो शुरुआत थी और अंत में अति होगी और अंत होगा, ऐसे थोड़ा ही के सन 36 से 1-2-4 वर्ष पहले एटमिक एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, बनाते रहेंगे या बनाना बंद कर देंगे, तो बंद ही रहेंगे वो विनाश का काम विनाशकारी अलग अपना करते रहेंगे, स्थापना करने वाले स्थापना अपनी अलग करते रहेंगे, बारूद अपनी जगह बढ़ता रहेगा, ज्ञान अपनी जगह बढ़ता रहेगा, प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो कितना साल होगा बाबा, प्रैक्टिकल ज्ञान ज्ञान जो है वो कितना साल का होगा, विष्णु कितने साल का है, तीसरी मूर्ति कितने साल की है, अरे पहली मूर्ति दूसरी मूर्ति तीसरी मूर्ति का टाइम बटा हुआ है कितने कितने साल का है, अरे का है 30-35 साल, प्रैक्टिकल भी 30-35 साल, अभी तो बोल तो दिया है तुम्हारी में असली सर्विस अफ्रीका वालों ने शुरू की है, देने के बाद नहीं जो भी हो उन तक कुछ ना कुछ तो पहुंचा है, पूरा नहीं पहुंचा है लेकिन जो भी कुछ पहुंचा है उसको उन्होंने प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर दिया, बिंदु तीनों मूर्तियों में प्रवेश करता है, तीसरी मूर्ति पवित्र है या अपवित्र है, पवित्र में सुप्रीम सोल को प्रवेश करने की जरूरत है, सुप्रीम सोल पतित में आता है या पावन में आता है, पतित में आता है तो वो तो पावन है, उसमें आने की क्या दरकार, तो त्रिमूर्ति के चित्र में तीन रेखाएं दिखाई गई है, तीन मूर्तियों से ऊपर की तरफ वो तो स्मृति की रेखाएं हैं, क्या याद का धागा है, स्मृति का धागा है, वो कोई प्रवेशता का धागा नहीं है बाबा, ने बोला आगे ऐसा समय आएगा बाबा साकार रूप में आपके सामने हाथ पकड़ेंगी, बुद्धि से नहीं लेकिन
आंखों से आप देखेंगे काका रूप में हाथ पकड़े। आप अकेले का हाथ पकड़े नहीं सबका हाथ पकड़े यही अर्थ। अरे वो एक के लिए बोला है या बहुतों के लिए बोला है? आपसे पूछ रहे वो बताइए पहले, साकार में हाथ पकड़ेंगे वो एक का ही पकड़ेंगे या बहुतों को पकड़ेंगे? जो एक बाप दूसरे में कोई आत्मा जो होंगे, जो होंगे एक बाप दूसरा में कोई भी स्टेज में उनका पकड़ेंगे, सबका नहीं पकड़ेंगे। तो उसकी कोई यादगार चित्र दिखाया है? अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई यादगार चित्र भी तो बना होगा। कोई यादगार चित्र कुछ भी नहीं आ रहा। अरे माता जी वो यादगार चित्र बताओ कि सबका हाथ पकड़ा नहीं हाथ पकड़ा कहाँ, वहाँ तो एक एक ही उंगली ने उठाया भगवान की एक उंगली, उन्होंने पूरा पहाड़ गऊओं का वर्धन का पहाड़ पूरा उठा लिया। रासलीला, हाँ रासलीला का जो जो चित्र दिखाया है कि सब गोपियों के साथ कृष्ण हाथ पकड़े हुए उस समय की यादगार साकार में अनुभव करेंगे कि बाप हमारा हमारे साथ है दूर नहीं। वो ही असली ज्ञानी है। लास्ट में सब जो भी है जो भी है राजाई कुल में आने वाले हैं उनका हाथ बाप पकड़े हुए अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो राज परिवार में आएंगे कैसे? अभी जब आपका पास रहता है ना या अगर सब बच्चों से मिल रहा है ऐसे ही माँ बाप दोनों का साथ साथ आकर बच्चों से मिलना ये बात होगा कि कौन से माँ बाप अभी तो अव्यक्तवाणी में तो अभी है जो अर्थदेव है उन्हीं में माँ बाप बता दिए पहले दो को, अभी उन्हीं को ही माँ बाप बता दिए पहले दो थी तो उसको अर्थदेव बता दिया। हाँ पहले जो दो है उन्हीं को ही माँ बाप बता दिए, कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं? कौन बन गई लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण बना जगदम्बा जगत पिता नहीं जगदम्बा भी अष्टदेव में आता है केवल जगदम्बा कौन सी वंश की है? चंद्रवंश की बताया, चंद्रवंश की बताया तो जो देव है वो कौन से वंश के होते हैं? पक्का सूर्य से होता है, पक्का सूर्य से होता है तो फिर क्यों पूछ रहे? नहीं अभी बताया ना अष्टदेव में आता है कौन जगदम्बा, हमने ना बताया। हम तो ये कहा कि जो अष्टदेव में आने वाले हैं उनमें भी जो दो नंबर पहले हैं उनको माँ बाप बता दिया, माने सूर्यवंशियों में सिर्फ सूर्यवंशियों में माँ बाप के रूप में पाठ बजाने वाले दो, एक तो बाप का पाठ, एक तो बाप का पाठ, दूसरा शंकर जी की प्यारी नगरी कौन सी है? तो दिल्ली अगर कोई चैतन्य रूप है तो काशी चैतन्य रूप नहीं होगा? काशी काशी क्या है? याद का तेज धारण करने वाली, योगिनी नाम दिया किसी को? योगिनी का नाम किसी बार लिया है कि नहीं? तो जब नाम दिया है तो काम करने वाली भी कोई होगी। बाबा विजयमाला आने के बाद एक
हाँ आने के बाद क्या होगा? एक तो जो आठ हो जाएंगे हैं आपका देवता भी हो जाएंगे जो एक का आठ का जमा होगा हाँ तभी विजय माला आने के बाद विजय माला आने के बाद तैयार होगा आने के बाद क्या तैयार होगा एक तो अभी तो आठ हो गए जो आठ हो गए आठ रुद्रमाला भी तैयार हो गए लेकिन विजय माला भी बन गए तो वो आठ अभी बने भी नहीं है अभी तो कहा है कि टू लेट का बोर्ड लगा है अभी अभी नहीं अभी लेट का बोर्ड लगा है लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है अभी भी कोई पुरुषार्थ करके आठ की लिस्ट में आ सकते हैं माने दो ही प्रत्यक्ष हुए हैं अभी और जल्दी जल्दी बाकी जो छह बचे हुए हैं वो भी प्रत्यक्ष होने वाले काम होगा दूसरा नहीं बताया दूसरा नहीं बताया सिर्फ काफी बता के तो अभ्यसवाणी देखो उसका तो लेन मुझे तो देखो अब तो उसके बाद दूसरी वाणी और निकल पड़ी अभ्यसवाणी उसमें सोलह सोलह तारीख की उन्होंने बोला है कि जयपुर से तीन है और जोधपुर से दो और निकले नंबर में पांच प्रत्यक्ष होने वाले जयपुर जयपुर से तीन जो जयपुर से तीन माने वो दो के साथ एक और जुड़ गया और जिसकी स्टेज में फैसला कर लिया बाकी दो और जो है पांच में से दो वो अभी युद्धपुर में युद्ध की स्टेज में तो सारा एक बात अधिक और कौन करेगा बच्चे 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 हैं वो सारी को समझेंगे जो देवात्मा है जो देवता है होंगे वो इशारे से समझेंगे देवता नहीं होंगे तो इशारे से नहीं समझेंगे बाप दादा इशारे नहीं बाप दादा कागज पर लिख करके नाम नहीं बता देंगे बोर्ड पर लिख करके नहीं बता देंगे बाप दादा सिर्फ इशारे हैं उन इशारों के आधार पर मन चिंतन मंथन करके जो समझने वाले होंगे समझे जो रुद्रमाला में नंबर दे दिए जाएंगे एक ही बारी तो बारह बारह हंसना है ना हर एक ग्रुप से तो उनमें पहले ग्रुप से बारह उसके बाद दूसरे ग्रुप के बारह आएंगे या क्यों नहीं आएंगे कि पहले ग्रुप का पहला नंबर और दूसरा ग्रुप हर ग्रुप का पहला नंबर उससे ऐसे ही नंबर आ जाएंगे ऐसे नहीं होता है सूर्यवंशी पहले प्रत्यक्ष होंगे कि वो चंद्रवंशी इस्लामवंशी पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे हर ग्रुप के बाद एक ही ग्रुप के बारे प्रत्यक्ष होने वाला होंगे माना है तुम्हारा मतलब यह है कि इस्लामवंशियों का जो बारह का ग्रुप है चंद्रवंशियों का जो बारह का ग्रुप है या क्रिश्चियन वंशियों का जो बारह का ग्रुप है या बौद्ध वंशियों का जो बारह का ग्रुप है उन सब में से एक एक उन सब में से पहला पहला नंबर वो सूर्यवंशियों के पहले नंबर के साथ प्रत्यक्ष होगा अगर ऐसा हुआ होता तो सूर्यवंशियों का पहला नंबर तो संचेतन से ही प्रत्यक्ष हो रहा है सूर्यवंशियों का जो पहला नंबर है वो तो संचेतन से ही प्रत्यक्ष हो रहा है तो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के या जो दूसरे दूसरे जो ग्रुप है उनका पहला नंबर प्रत्यक्ष होना चाहिए ना हुआ क्या नहीं हुआ जब ये कोई नियम थोड़ा ही है कि हर ग्रुप का पहला नंबर साथ ही साथ प्रत्यक्ष होगा वो कोई बात समान के स्टेज वाले है क्या लास्ट नंबर उनके नंबर में रुद्रमाला में ओरिजिनल रूप में कौन कौन से धर्म के बीज है पहले नौ धर्म के बीज वो तो है लेकिन जैसे कि बेसिक नॉलेज शब्द जब शुरू हुई है कि आदि में तो बेसिक नॉलेज का जब ज्ञान जब देना शुरू किया तो उस समय सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए
और बाकी चंद्रमा और उसको फारू करने वाले रहेंगे। उसमें किन का किन का नाम था, कौन कौन से ग्रुप का नाम था? चंद्रमा और चंद्रमा को फारू करने वाले, चंद्रमा को फारू करने वालों में कौन कौन से ग्रुप वाले शामिल थे? सारे ही शामिल थे, सूर्यवंश को छोड़ करके। ऐसे ही एडवांस में भी, एडवांस में भी सूर्यवंशी जो है वो पहले ही अलग होते हैं क्या? और बाकी बाकी सर मांगादी के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जगदम्बा के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो दो ग्रुप हो गए ना मुख्य, एक सूर्यवंशियों का ग्रुप और एक चंद्रवंशियों का ग्रुप, दो ग्रुप हुए ना रुद्र माला में, दो हिस्से हो गए माला के मुख्य ग्रुप और बाकी सारा। हाँ, तो जो दो हिस्से हो गए उनमें सूर्यवंशी ग्रुप और चंद्रवंशी ग्रुप दो ही मुख्य हुए ना। चंद्रवंशी ग्रुप में सारे ग्रुप जाके इकट्ठे हो जाते हैं और सूर्यवंशी हिस्से तो सूर्यवंशी ही पहले अकेले सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ, तो दो ग्रुप मुख्य हो गए। दोनों ग्रुप को मिला करके फिर माला बनती है। तो जो रुद्र माला बनेगी उस रुद्र माला में पहले ग्रुप का मुखिया तो क्लियर है या नहीं है? वो क्लियर है। फिर दूसरे ग्रुप का मुखिया कौन हुआ? प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं? तो पहला नंबर कौन है और लास्ट नंबर कौन है? बच्चे, बच्चे जो है उनका तो ये स्वभाव होता है कि वो माँ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर बना देते हैं। ये कि मैं भी पहले आठ फेल किसका हुआ? बिछनी जो होती है जब बच्चे पैदा करती है तो उनका पेट फाड़ देते हैं बच्चे। सब चंद्रवंश से लेकर के और ये जो भी वंश हैं वो सारे आदमी संप्रदाय है। और आदमी संप्रदाय की अम्मा बनती है जगदम्बा, जगदम्बा तो महाकाली बनती है, महाकाली रूप धारण करके फिर उन सबका संहार कर देती है, फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। रुद्र माला में लास्ट मण का कौन है? जगदम्बा। पहला मण का जगत पिता, क्योंकि लास्ट मण का है अभी तक बुद्धि नहीं बैठ रहा है। हाँ? क्या पूछा था अभी? जैसे लास्ट नंबर बता दिया जगदम्बा को, दस उंगलियां है ना, दस उंगलियों में गोवर्धन पहाड़ कौन सी उंगली से उठाया गया? इस उंगली से उठाया गया, उठाया गया ना। तो सबसे छोटी है, सबसे कम पावर वाली है, सबसे ज्यादा पावर वाली है? सबसे कम पावर वाली। मैंने ये बताया कि रुद्रमाला में भी जो सबसे कमजोर मणका है दूसरों के प्रभाव में आने वाला, जिसने जो सुनाया सतोदय महाराज, उसने जो सुनाया सतपते महाराज, भगवान की गानी कर दी बात। असर जिसके ऊपर दूसरों के सुनाए हुए का, दिखाए हुए का असर बैठ जाए वो उसकी प्रजा कही जाती है या राजा कहा जाता है? जो प्रभावित हो जाए जो प्रजा। तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्रभावित होने वाला कौन बना? माँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। दिल्ली जो है, एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सब ने राज्य किया है। तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है, इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा कमजोर कौन बन गया?
अभी सबसे ज्यादा अराजकता अगर देखने में आ रही है हिंदुस्तान में, तो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अराजकता है? संसद भवन में बैठ करके कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं, दूताबाजी होती है, एक राज्य है। आगे मैं सभी राष्ट्रों से आके फिर टर्की में वहाँ बैठा बैठे हैं ना, प्रजातंत्र राज्य है ना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ना, प्रजा माने बच्चे, बच्चों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया, राजा का राज्य है क्या? दिल्ली तो सब धर्मों की, सब देशों की, सब शहरों की माँ है। दिल्ली परिस्थान बनती है तो सारी दुनिया परिस्थान बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। सेवा की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, डिस सर्विस की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, मेले वाला फल भी कहाँ से शुरू होते हैं? दिल्ली से मेले वाला फल शुरू होते हैं। अभी मेले वाला फलों का बड़ा रूप हो गया, अभी जो लास्ट प्रोग्राम हुआ देखिए, आप वादा ने बोल दिया कि दिल्ली को सब फालू करेंगे, अब इसी तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम सब जोड़ वाले बनाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम बनाना गलत है, जब मेरे मना कर करना गलत है, सच्चा गलत है, जब उसको पता है तो बाप दादा वैसे क्यों बताता है? बाप दादा मानते हैं, बाप दादा गला ही मोड़ दिया, बाप दादा का हाथ ही फेल कर दिया, तो बाप दादा बेवकूफ है क्या? बताता है कि सब जोन वाला ऐसे इनको फॉलो करेंगे दिल्ली को, वैसे क्यों बताता है? बाप दादा वहां जाके क्यों ऐसे बताता है कि सब जोन वाले इनको फॉलो करेंगे? दिल्ली का हिसाब है ऐसा, दिल्ली जो कदम बढ़ाएगी सारे धर्म वाले उसको फॉलो करेंगे, वो तो आई है कदम पर। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो माँ को पक्ष लेते हैं या बाप का पक्ष लेते हैं? माँ का पक्ष लेते हैं। जिन बच्चों में अपनी कमजोरी भरी हुई होती है वो माँ की गोद में ज्यादा पालना लेना चाहते हैं या बाप की रहवड़ी में रहना चाहते हैं? कमजोरी भरी हुई है खुद के अंदर, तो माँ को कमजोर देखा मैंने उसी को बचा गए, उसी को कंट्रोल कर लिया, बाप तो मानेगा नहीं हमारी बात, माँ को भुलिया नहीं, माँ आसानी से मान जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 300-400 यज्ञ के आदमी भी निकले, कितने सरेंडर हुए? 700 नहीं, 300-400, और अभी भी 300-400 ही है, 450। ये संख्या 70 साल में बढ़ क्यों नहीं पाई? क्यों नहीं बढ़ पा रही? सत्तर साल पूरे हो गए तो कम से कम 10,000 निकलने चाहिए नहीं? 10,000 के लिए वो 450 बने कहाँ सर बने हैं? कहाँ सर बने हैं? अभी सरल बताया ना कि 450 एडवांस में भी 450 सरेंडर हुए और बेसिक में भी 300-400 ही सरेंडर हुए थे, उससे ज्यादा तो नहीं हुए। एडवांस तो शुरू अभी हुआ ना, हम टिकट के बाद ही हुआ ना, कौन सी लिया इसे लिया थे ना? और वो नहीं, वो उसको नहीं हुआ है 33-40 साल बेसिक को 40 साल नहीं हुए, बेसिक को 40 साल हुए तो भी 300-400 ब्रह्मा के रहते रहते सरेंडर हो पाए? संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उस गोवर्धन पहाड़ को जो धारण करने वाली उंगली है वो तैयार ही नहीं हुई, असुरों के पंजे में, रावण के पंजे में। तो
अभी तिरुपति में कैंसर चला है ना, वार्तालाप का कैंसर में बताइए, चेन्नई का कनेक्शन दिल्ली से, मतलब चेन्नई में जगह है तो दिल्ली में राजधानी बने, तो क्या जो एरोप्लेन है ना, एरोड्रम वगैरह वहाँ चेन्नई है, उसको चेन्नई नहीं लिखते, उसको लिखते हैं माँ क्या हाँ। अभी अभी तक वहाँ की राजधानी का नाम था मद्रास, क्या मध्य में राज करने वाली, कीचड़ में राज करने वाली मध्य राज, अभी उसका नाम बदल दिया क्या चेन्नई, नहीं केक माने अच्छा होता, अच्छा होता क्या होता नहीं हो जाए, वो पुराना रूप है क्या मद्रास है पुराना रूप, तामती रूप, और चेन्नई है नया रूप। चेन्नई रहेंगे बाबा, चेन्नई रहेंगे क्या वही बताया ना, बंगलोर भी जब दुनिया का विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे, तो पापात्मा कौन हुए पुण्यात्मा कौन हुए, रुद्रमाला के मणके में दो ही बनते हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी, कौन रहेंगे और कौन खराब हो जाएंगे, कौन सा वंश नष्ट हो खत्म हो जाएगा, नाम निशान खत्म हो जाएगा, और कौन सा वंश रहेगा सूर्यवंश रहेगा और बाकी सबका नाम निशान खराब, जैसे राम वंशी नहीं रहेंगे, बौद्धि वंशी नहीं रहे, क्रिश्चियन वंशी नहीं रहे, वैसे चंद्रवंशी भी नहीं रहेंगे, क्या चंद्रवंश रहेगा, रहेगा वो ही जो अपने को मर्ज कर देगा, बैंगलोर का नाम बदल गया, बैंगलोर क्या बैंगलोर का नाम भी मद्रास से चेन्नई हुआ, हाँ बैंगलोर बॉम्बे का भी नाम बदल दिया, बॉम्बे का भी नाम बदल दिया, हम बॉम्बे पढ़ते हैं, इसके बारे में भी बदल दिया, मुंबई मुंबई हाँ मुंबई मुंबा देवी के नाम कलकत्ता देवी, कोलकाता भी कोलकाता बन गया, सारे नाम बदल दिए जा रहे हैं, कोलकाता हो गया लेकिन दिल्ली का नाम नहीं बदल है, दिल्ली का नाम नहीं बदल, दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ हो जाता है, अच्छा और कहते हैं धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया तो नाम क्या रखा इंद्रप्रस्थ, पांडवों का किला अभी भी बना हुआ है, अब्बल नंबर का गायन होता है या सबका गायन होता है, अब्बल नंबर एक ही होगा या सब होंगे, एक होगा 100% पार्वती पार लगाने वाले और बाकी होंगे नंबर वाला, तो कुछ बुड़ने डुबोने वाले भी होंगे नहीं, परसेंटेज एक है 100% और बाकी सब है
परसेंटेज में। तो एक तो पार लगाने वाली 100% और बाकी हुए पार लगाने वाले परसेंटेज में। तो अगर कोई 99% पार लगाने वाला है तो डूबने वाला कितना हुआ? 99% पार लगाने वाला तो 1% डूबने वाला हो गया। तो भी तो डूबने वाला है, लिस्ट में तो नंबर आ गया। विचारी बनने वाली की लिस्ट में नंबर तो आ गया। दक्षिण भारत से इधर से निकलेगा, अच्छे निकलेगा या नवग्रह से निकलेगा? दक्षिण भारत से क्या निकलेगा? कौन निकलेगा? दक्षिण भारत कोई स्थूल बात है दक्षिण भारत की? क्या दक्षिण भारत है भारत का विदेश, ये बोला ना? तो कोई स्थूल बात है या सूक्ष्म बात है? जब बावन बोला राजस्थान, तो राजस्थान सूक्ष्म बात बोली या सिर्फ राजस्थानी स्थान विदेश बोला? जैसे बोला गुजरात, उत्तर को गुजरात वालों के लिए बोला या कोई बेहद के अर्थ में गुजरात बोला? तो ऐसे यहाँ दक्षिण भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो जो भी रुद्रमाला के मण के हैं वो सब क्या है? विदेशी। विजय वाला कारी स्वदेशी। दक्षिण भारत भारत का विदेश जब कहा जाता है तो जिनमें ज्यादा देह अभिमान है वो समझ लेते हैं कि हम विदेशी हैं। आत्मा विदेशी होती है या देह विदेशी होती है? स्वदेशी देह स्वदेशी विदेशी होती है। आत्मा तो स्वदेशी विदेशी नहीं होती, देह अभिमान भरा हुआ है तो अपने को विदेशी समझ लेते हैं। अगर आत्माभिमानी है तो दक्षिण भारत में पैदा होते हुए भी अपने को समझ सकते हैं हमारा ये लास्ट जन्म किसी तरह हम अलग दूर हो गए, कोई ऐसा हिसाब किताब बन गया। हर जन्म में हम थोड़े दक्षिण भारत वाले, कोई जरूरी है कि हर जन्म में हमने दक्षिण भारत में ही जन्म लिया? जरूरी है ये? तो कोई जरूरी नहीं। बारह राशियां जो होते हैं ना, हाँ जी, वो ये जो वो सारी दुनिया में फैली हुई है। रुद्रमाला में कौन सा ग्रुप का होगा? हर ग्रुप में बारह राशियां, हर ग्रुप में मैंने सारी दुनिया के लोग बारह राशियों में बटे हुए हैं, हर धर्म के लोग बारह राशियों में बटे हुए हैं। राशि कौन कौन है? नाम दिया जाता है, बारह कौन है? बारह कौन है? जो भारत जो हर धर्म में बारह बारह के ग्रुप मुखिया है वो ही है बारह। अपने ग्रुप का वो मुखिया है, है? अपने ग्रुप का वो मुखिया है, अपने ग्रुप के वो मुखिया है जो बारह हर ग्रुप का बारह बारह राशियां बताए। वो अपने 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 धर्म में मुखिया तो नहीं है? जब खोज दिया जाता है उस समय बताते हैं कि जो बारह राशियां हैं वो ये रहता है कि बारह राजाओं के नंबर दिया जाता है। बारह राशियां बताया खोज के देने समय बताया है। तो सच्चे कि जो बारह राजाएं हैं हाँ वो बारह राजा कौन है? कि जो बारह राजाएं हैं उनमें नौ राजा, नौ तो वही राजाएं हैं जो सतयुग में राजाएं बनते हैं, जो नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम बनते हैं। बाकी जो तीन और रह गए वो कहाँ चली जाएंगी? नौ के अलावा तीन नदियां और भी तो चलती हैं, उनमें नारायण तो होंगे नहीं, फिर कौन होंगे? है कोई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कौन होंगे?
जो बीज यहाँ का जो अष्टदेव तो जो सबसे ऊंचा राज्य है, अष्टदेव जो है जो दुनिया का सबसे ऊंचा राज्य है, विश्व का राज्य भाग, उसमें कंट्रोल पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर त्रेता के पहले जन्म में वो साथ रहते हैं रामादी आत्मा के साथ, तो हर जन्म में थोड़े वो ऊंचे बने रहेंगे, पहले जन्म में ऊंचे, पहले जन्म में भी ऊंचे हैं, सत्यु के आठ जन्म, त्रेता के आठ जन्म में भी ऊंचे हैं, राज्याधिकारी हैं, तो हर जन्म में तो ऊंचे नहीं होंगे। बाकी जो लास्ट तीन गतियां बची उसमें कौन है, ऊंचे जो बाप को प्रवेश करने में मदद देते हैं वो अच्छे बताए, लास्ट में जो तीन होते हैं वो बाप को प्रवेश करने में मदद देते हैं, जैसा मदद किया उन्होंने राज्य करेंगे वहाँ बताया, फिर विरोध हो जाते हैं, जो विरोध ज्यादा करते हैं कि मदद ज्यादा करते हैं, शुरुआत में प्रत्यक्ष किया, शुरुआत में प्रत्यक्ष किया, पूरा प्रत्यक्ष किया या थोड़ा प्रत्यक्ष किया, थोड़ा सा प्रत्यक्ष किया, थोड़ा प्रत्यक्ष किया और फिर विरोध जाति किया, अप्रत्यक्ष जाति किया, तो उनको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा उनको थोड़ा हिस्सा, ताज पदरून जो है अंतिम जन्म में मिलना चाहिए। तो जो विनाशी युग है, विनाशी पीढ़ियां हैं, उनमें उनको राजा मिल जाती है, माने वो स्वर्ग का विनाश करने के निमित्त बन जाती है राजा। तो उनको राशि नहीं कहना, वो कहना है, कहना खर्च है कि नहीं, वो भी राशि 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 नहीं है, है? वो किसी के साथ राशि नहीं मिलाते हैं, आपस में राशि मिलाते कि नहीं, ये आपस में भी राशि मिलती है, जब मजबूर हो जाते हैं तो सत्यु के आदि में वो दास दासी बन रहे थे, चित्र भी दिखाते हैं यादगार, कौन सा चित्र है, राम का जो पट्टाभिषेक है, राज्य राज्याभिषेक है, उसमें लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को दास दासी रूप में दिखाया है, कोई चमड़ दुला रहा है, कोई पांव पका रहा है, कोई छतरी लेके खड़ा हुआ है, यहाँ जो विरोध करते हैं उनको दासदासी बनना पड़ता है, बस हो गया है, है, है। सोलह हजार की निशानी क्या है, 16,000 की निशानी है जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं बाप के साथ, जैसे अपनी कन्या अर्पण कर दी है, अंदर से भाव है कि हमने भगवान को अपनी कन्या दे दी, दामाद बना दिया, ये बात दूसरों से नहीं कह सकते, दुनिया वालों को बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो गुप्त संबंध जोड़ा ना, इन्होंने भी जाना, इनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये बात समझ ली कि हमारी बहन जो है वो हमने भगवान को दी, तो गुप्त संबंध रहा ना, अब वो बच्चे जो है वो दुनिया वालों को बताते थोड़े ही कर रहे हैं कि ये संबंध ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये निशानी नहीं है, जिन्होंने भी गुप्त संबंध जोड़ा बाप के साथ वो हुए गोप और गोपी, गोपों में भी उनकी गिनती है, भाइयों की भी गिनती है और कन्या माताओं की भी गिनती है, हाँ सरेंडर कर दिया, माने 16,108 फुल सरेंडर होंगे, मधुबन के अंदर से अंदर से पैदा होते हैं, चंद्रवंशी भी होंगे, सूर्यवंशी भी होंगे, रुद्रमाला से भी होंगे सरेंडर होने वाले, और वेशी नारी से भी सरेंडर होने वाले, तो अगर तो वाणी 2-3 साल पहले बोल भी दिया है, ये पहला कोई समर्पण समारोह नहीं समझना,
अभी आगे चल करके दोबारा समर्पण समारोह भी बना देंगे। ये तो हुआ बेसिक नॉलेज में, बिना समझे बिना जाने भक्ति मार्ग का समर्पण समारोह, क्योंकि जिसके प्रति समर्पण किया वो तो है ही नहीं मौजूद, आगे होगा आखिर भी समर्पण समारोह। बेसिक में भी सब घर छोड़ करके आए हैं, अंदर एडवांस में भी सब घर छोड़ करके आए, तो सब चल रहे हैं, घर छोड़ कुछ छोड़ नहीं पड़ता है। सरदर तो बुद्धि का सरदर जो बताया वो बुद्धि का सरेंडर होगा कि साकार में भी सरेंडर होना चाहिए। बोला तले भी पूरा अर्पण करना पड़ेगा क्या? अभी अंत में कभी भी अंत में करेंगे तो अंतिम नंबर मरता बनेगा 16,000 का। पहले करेंगे तो पहला नंबर मरता बनेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? वो सोच सोच के करेंगे तो बाप भी सोच सोच के नंबर देंगे। हाँ पुरुषार्थ करते हैं तो सरेंडर होने का ही पुरुषार्थ करते हैं कि हम भगवान के बन के रहे, हमारा तन मन धन सब बाप का हो जाए, यही तो पुरुषार्थ करते। पुरुषार्थ करते क्या है? हमारा जो भी तन है, हमारे तन के संबंधी है, जो भी हमारा धन है, पाई पैसा है, जो भी हमारे मन की संकल्प है, वो सब भगवान के लिए अर्पण हो जाए, यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बस हो गया ना।